बेन शशिभूषण तांडव बर्दा पेजेस तक गल्प कुछ पढ़ने में मजा भी नहीं आ रहा है। चाय बिस्कुट ही नहीं माने आई तो गा चाय बिस्कुट है ना चाय बिस्कुट कितना खाएगा चाय बिस्कुट सुबह से माने अच्छा सुनो वो जॉनी किधर है सुबह से दिखा नहीं। हाँ वो तो अपना फ्रेंड का मैरिज है क्या छे कुछ हफ्ता बाद लौटेंगे। फ्रेंड का मैरिज कुछ हफ्ता बाद लौटेंगे आने दो उसका ऐसा खबर लेगा ना हमको बोलकर ही नहीं गया घर कितना सुना सुना लग रहा है। अरे उल्टा अच्छा ही है ना कि घर सुने सुने लग रहे हैं अब हम हाय तुम हाय और थर्ड पार्टी कोई हाय नहीं अब हम और तुम रोमांस करबो। तुम ना बात बनाना में एकदम एक्सपर्ट है तुमसे बोलता है रोमांस करबो किंतु तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम किधर है वो जब भी देखो भूत भूत लड़की दूरबीन भूत भूत लड़की सिर्फ उसी का लिए टाइम है। ए नाना तुक्का आई लव यू भूत से एदाया कि अब तक हम ये पता नहीं चला पाया कि वो भूत लड़की अचानक से गया तो गया किधर। देखा फिर से भूत लड़की के बारे में सोच रहे है ना ये हम सोचा कि बोला नाना रहती चले दूंगा फिर से तू ना नहीं सुधरेगा तुम सुधरेगा ही नहीं चाय पिएगा अरे सर क्या कर रहे हो क्या कर रहा हूँ आंखें नहीं है देख के नहीं चल सकता है सर पर आंखें तो आपकी बंद थी। अच्छा तेरी तो खुली है ना हाँ देख के चलना चाहिए ना ये तो प्रॉब्लम है तुम न्यू कमर्स की सीरियस की इज्जत नहीं करते देयर इज नो डिसिप्लिन कल से तुम नाइट ड्यूटी पे आउट प्लीज आई एम सॉरी आउट नितिथल क्या है लात तो सोई नहीं थी पार्टी वार्टी थर्टी फर्स्ट है दिमाग खराब हो गया 28 तारीख को कोई 31 मनाता क्या नहीं चल आपका मैं तो चल जा चल होते हम दो होते होते चूचू वो जल्दी इधर आ क्या जीनी आखिर वो दिन कब आएगा जब भी आप चाहें तुम किस दिन की बात कर रही हो हमारी शादी के दिन की धीरे बोलो धीरे बोलो वैसे कौन से दिन की बात कर रहे थे आप मैं उस दिन की बात कर रहा था जिस दिन तुम मेरा बैंड बजाना बंद कर दोगी चूजू अब मैंने क्या किया क्या किया ये पूछो क्या नहीं किया तुम्हारी वजह से रात भर मैं सोया नहीं हूँ तुम्हें पता है मुझे इतनी नींद आ रही है कि चलते फिरते मैं लोगों से टकरा रहा हूँ जूजू देखिए नींद तो मुझे भी आ रही है लेकिन मैं इस नींद के मजे ले रही हूँ सो एंजॉय कहीं ये मजा मेरे लिए सजा ना बन जाए तो पता है थोड़ी देर में बॉस के साथ मेरी मीटिंग है अगर मीटिंग के दौरान कुछ कांड हो गया तो कुछ नहीं होगा जूजू आप टेंशन मत लीजिए आपको नींद आ रही है किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आपकी आंखें कोई देख ही नहीं पाएगा कैसे कैसे रुको आप इस चश्मे से सबको देख पाएंगे लेकिन इसके पीछे सो रहे हैं आप ये किसी को पता नहीं चलेगा सबको लगेगा कि आपकी आंखें खुली है क्या बात है दीदी वाह जख्म भी देती हो साथ में मरहम भी अब इस चश्मे के सहारे मैं पूरे दिन कैबिन में सोता रहूंगा सोता रहूंगा सोता रहूंगा और लोगों को ये लगेगा कि मैं जाग रहा हूँ मैं काम कर रहा हूँ ग्रेट ना विकी क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने ये अजीब सा चश्मा क्यों लगाया हुआ है बेबी वो मैं तुम तो कुछ बोलो ही मत मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो और तुम वहाँ खड़े खड़े उस जीनी के साथ क्या कर रहे थे बताओ दोनों सवालों में से सबसे पहले किस सवाल का जवाब दूं?
चश्मे वाले का। इसका? हाँ। अभी बनाता हूँ। क्या? बताता हूँ। हाँ बेबी, दरअसल क्या है ना बेबी, मुझे ना इन्फेक्शन हो गया बेबी, यकीन नहीं हो रहा। ये देखो। तो क्या है ना बेबी, अगर मैं चश्मा नहीं पहनू ना तो सबसे पहले इन्फेक्शन तुम्हें हो जाएगा, जिसकी आंखों में मैं हर वक्त देखता रहता हूँ बेबी, है ना? हाँ, और रही बात दूसरे सवाल की, तो उसका जवाब है कि तुम तो कुछ बोलो ही, बस मेरे साथ मेरे कैबिन में चलो। क्यों? क्योंकि आज मैंने अपनी सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए कुछ लड़कियों को बुलाया है इंटरव्यू के लिए, और उन इंटरव्यूज में तुम मेरी हेल्प करोगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बेबी, तुम्हें तो पता है ना, मैंने तुम्हें कभी ना नहीं कहा। कहा है कभी ना? कभी नहीं। हमेशा मैंने तुम्हारी मदद की है ना। लेकिन क्या है ना, आज ना तुम अपने साथ बेला को ले जाओ। नहीं, आई विल एक्सप्लेन। एक्चुअली क्या है ना, बॉस के साथ मेरी मीटिंग है, और अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचाना तो तुम्हें तो पता है ना बॉस कितने जल्दी नाराज हो जाते। नहीं, तुम ही बोलो, टेल मी। वो तो है स्वीटी पाई। चलो ठीक है, वैसे जॉनी होता तो वो मेरी हेल्प जरूर कर देता। हाँ। लेकिन अब और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर मुझे वेला से ही काम चलाना पड़ेगा। काम चलाना पड़ेगा मतलब क्या है? What do you mean, काम चलाना पड़ेगा? अपनी भी कोई वैल्यू है। And listen, मैं कोई ऑप्शन नहीं हूँ, बल्कि लोगों के पास मेरे सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। गॉट इट? इस बारे में ना हम बाद में बात करते हैं वेला, ओके? फिलहाल चले इंटरव्यूज के लिए। बाय स्वीटी पाई। मेकअप स्वीटी पाई। कीड़े पड़े तुझे। I think all the girls have come, Priya. Let's start. Okay. पहले कैंडिडेट को बुलाएं? Yeah, sure. Please come in. May I come in, please? Yes, please. Hi, ma'am. Hello, sir. मेरा नाम आलिया है. मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है. Rejected. Next, please. Sorry to say, Miss Kaur, हमारे ऑफिस में पंजाबी में कोई काम नहीं होता, so you're rejected. Sorry जी. तो क्या हुआ? थोड़ी इंग्लिश की ट्रेनिंग दे देते यार, मैं भी तो पंजाब से हूँ. Oh, come on, वेला, मुझे सेक्रेटरी चाहिए, कोई आंटी जी नहीं. देखा तुमने, वो आईब्राउज तक करवा के नहीं आई थी. हाँ, तो तुमने इसके लिए उसको रिजेक्ट किया? Okay. Next, please. May I come in, sir? Please come in. आइए ना, बैठिए. Hello. Have a seat. Thank you. sir, मेरा नाम सोनम है. सर, मैंने BA किया हुआ है. सर, प्लीज, एक सेकंड. मेरे साथ एक सवाल है आपसे. ये जो एयरक्राफ्ट होता है 474, इसमें कितने इंजिन होते हैं? Don't know, sir. There you are. Sorry. कागजों के प्लेन बड़े उड़ते हैं, बचपन में बहुत उड़ाए हैं लोगों ने. नेक्स्ट प्लीज. क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए ना. सर, मेरा नाम बरखा है. बरखा? मैंने संस्कृत में स्नातक किया है. मैम, ये लीजिए मेरा बायोडेटा. क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको ये पता है कि मैनिक्योर और पेडिक्योर क्या होता है? जी नहीं पता रहा. तो फाइंड आउट करिए और जाके करवा के आइए, फिर इंटरव्यू के लिए आइए. थैंक यू वेरी मच. हेलो, मेरा नाम मलिका है. मैंने MA कराया इंग्लिश में. एक छोटा सा सवाल. मान लीजिए कि आपके पास एक सैंडविच है और आपके पायलट को भूख लगी है, लेकिन साथ में एक पैसेंजर भी भूख के मारे बिल बिला रहा है, तो आप वो सैंडविच किसको देंगे? मैं खुद खा लूंगी. प्रॉब्लम सॉल्व. रियली? प्रॉब्लम सॉल्व? सॉरी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई. थैंक यू. ओ गॉड वेला, मुझे समझ में नहीं आता कि कब मुझे ऐसी लड़की मिलेगी जो मेरी सेक्रेटरी बनने लायक हो. We'll be right back.
का टुकड़ा हूँ ना। आ, तो ये है वो जगह जहाँ मुनी का मुनु काम करता है। लगता है पिलिया मैलम थी सेट्रेटी थी जॉब दे लिया आई है। इंटरव्यू? Well, I'm pure of the head, बल्कि आप मेरे साथ चलिए। आइए आइए, follow me. आइए 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 आइए। वीला तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे एक सेक्रेटरी चाहिए, कोई एयर होस्टेस नहीं। माफ करना, लेकिन जिस तरह से तुम इंटरव्यू कर रही हो, उससे देख के तो ये लगता है कि तुम्हें सेक्रेटरी नहीं, कोई ब्यूटी क्वीन चाहिए। एक्सक्यूज मी वीला, तुम ये भूल रहे हो कि मैं प्रिया हूँ। प्रिया तो ऑफ कोर्स मेरी एयर होस्टेस ही बिल्कुल स्टाइलिश होगी ना। एक ऐसी लड़की जो फैशनेबल हो, जिसका बोलना चलना और लुक बिल्कुल परफेक्ट हो। आई डोंट थिंक प्रिया कि इतनी सारी खूबियां किसी एक लड़की में हो सकती है। ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी तुम्हें। हाँ, अगर कोई चांद से उतर के नीचे चली आए तो बात अलग है। आइए मैडम। हेलो, मैं मुनी हूँ और मैं चांद का टुकड़ा हूँ। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि कोई जरूरत नहीं है मेरी। नहीं, नहीं, नहीं। तुम्हारी तो बहुत जरूरत है। इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है, है ना प्रिया? हाँ? देखो ना, जैसी सेक्रेटरी तुम्हें चाहिए ये वैसी ही है। हाँ? Just look at her. इसका लुक देखो, इसकी चाल देखो, इसका बोलने का अंदाज देखो, इसमें वो सब कुछ है जैसे तुम्हें चाहिए। तुम्हें ये रिश्ता पक्का समझो? क्या? मेरा मतलब है, इसे तुम्हारी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया जाए। फीला, आई मस्ट से कि पहली बार तुमने पॉइंट की बात की है। क्या नाम बताया तुमने अपना? मुनी। मिस मुनी, कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया है। सच? मैं चांद का टुकड़ा हूँ। और मैं उस टुकड़े का टुकड़ू। What? टुकड़ू? टुकड़ू? Whatever. Welcome to Priya Airlines. की लोगों के बारे में इन बच्चों से कुछ पता लगा सको। सेंटा अंकल, आप क्या सोच रहे हो? ना माने, हम सोच रहा है कि कौन सा खेल खेलेंगे, माने लिंगरी टांग या ऊंच नीच का पपड़ा। ये कौन से गेम है? ये झुनझुन को नहीं आते? झुनझुन को तो छुपा छुपी आती है। हाँ, वो हाइड एंड सीक ना। हाँ, हम छुपते हैं, पांच तक गिनती गिनो फिर हमें ढूंढो। अरे बहुत नॉनसेंस, पांच तक क्यों गिनेंगे, हम तो 5,000 तक गिन सकते हैं। बोलो 5,000 तो नहीं, 5 तक। ठीक आ जाए भान। ऐसे ऐसे नहीं, आग बंद करो। हाँ, ये भी पीछे घूमो भान। 2, 3, 4, 5। कहाँ छुप गए बच्चा लोग, हमको तो पता ही नहीं। चलो ढूंढते हैं। उताई गेलो, हमने अपनी दोनों आंखों से देखा था, इधर छुपा था बच्चा लोग। इधर क्या? हम यहाँ हैं। ओह,
मारी लेंगे हम। कहाँ है बच्चा तुम, कहाँ है? किधर है? पकड़ लिया। अरे की फिर गया हूँ। ये होता की मैंने दो दो टाइम अपना दोनों आंखों से दोनों लड़की को देखा था, उधर छुपते उधर छुपते, किंतु किधर छुपते? हम लगता है मेरा नजर कमजोर है, किंतु कान चालू है। किधर है? कहाँ है? बोलो कहाँ है? विक्की में ऐसा कौन सा सोना लगा है जो हर लड़की इसकी दीवानी हो जाती है, जबकि यार मैं ज्यादा हैंडसम हूं। ठहर जा बेटा, अभी तुझे मजा चखाता हूं। जीनी, तुम्हें पता ऑफिस में क्या हो रहा है? वो जो नई लड़की आई ना मूनी, मूनी वो विक्की के साथ डांस कर रही केबिन में। ए जीनी, मूनी विक्की के साथ डांस कर रही है, डांस। तुम्हें डांस करना है वेलू? सिंपल है। जीनी, मुनी, मुनी, मुनी डांस कर रही है विकी के साथ, मुनी। ओहो, एनीवेज, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। चलो चलो, मेरे साथ चलो। कम 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 कम। वेलू, ये तुम कब? ये क्या? मैं चांद का टुकड़ा हूँ और मुझे इनसे प्यार हो गया है। मुनी तुम यहाँ कैसे? जहाँ मेरे मुनू वहाँ मैं। ये तुम्हारे मुनू नहीं है, ये मेरे जुजू है। लेकिन मेरे लिए तो ये मेरे मुनू ही है। मैं चांद का टुकड़ा हूँ ना? मुझे क्या पता। इस चांद के टुकड़े के मैं 100 टुकड़े कर दूंगी अगर तुम जरा भी मेरे जुजू के आसपास नजर आई। हाथ छोड़ो। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे मेरे मुनू से कैसे अलग करते हो। अभी देखो। ये देखो। अच्छा, तो मैं भी बताती हूँ। विकी, हे भगवान, एक तरफ जिनलैंड की जीनी, एक तरफ प्रिया, और अब ये मूनी भी। अब तेरा क्या होगा विक्की? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।